मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। गैंगस्टर संतोष आंबेकर बंदी, गुजरात के व्यापारी से 5 करोड़ की ठगी। नागपुर गुजरात के व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर धमकाने के मामले में पुलिस ने शहर के चर्चित गैंगस्टर संतोष आंबेकर को गिरफ्तार कर लिया है। आंबेकर की गिरफ्तारी बहुत ही गोपनीय तरीके से की गई। अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जाता है कि संतोष और उसके साथियों ने गुजरात के व्यापारी जिगर पटेल के साथ मुंबई में जमीन दिलवाने की डील की थी। जिगर तेल का व्यवसाय करते हैं। उन्हें कंपनी की एक यूनिट मुंबई में शुरू करना था और जमीन की तलाश में थे। संतोष के साथ 5 करोड़ रुपए की डील हुई थी। संतोष को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच ले जाया गया। RSS अधिकारी की हत्या का विरोध। नागपुर भारत भारती संगठन की ओर से बंगाल में RSS कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दोषियों को गिरफ्तार करने के साथ ही बंगाल में RSS कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस संबंध में पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। लूटपाट के इरादे से हत्या। वाठोड़ा में मिली थी लाश। 4 नाबालिग सहित 8 को पकड़ा। नागपुर वाठोड़ा थाना अंतर्गत बीड़गांव आउटर रिंग रोड पर आराधना नगर इलाके में शुक्रवार की सुबह एक लाश पाई गई थी। सिर के वार से ही हत्या का अंदाजा लगा लिया गया। पूरी शहर की पुलिस जांच में जुट गई। क्राइम ब्रांच में सेंधमारों को पकड़ने के लिए बनाए गए दस्ते को आरोपियों का सुराग मिल गया। मृतक की पहचान होने से पहले ही पुलिस दस्ते ने 4 नाबालिगों समेत 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए आरोपी लूटपाट और चोरी की वारदातों में सक्रिय थे। चोरी के आटो पर रात में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जांच में पता चला कि लूटपाट के इरादे से ही हत्या को अंजाम दिया गया था। मृतक बाबुलबन गरोबा मैदान निवासी नरेंद्र गोपीचंद बोरकर बताया गया। पकड़े गए आरोपी भांडेवाड़ी निवासी बादल राजू ठवरे, मयूर भुवनेश्वर नाग देवे, संदीप विजय कुमार शाहू, पार्टी निवासी फिरोज शमशाद अंसारी और उनके 4 नाबालिग साथियों का समावेश है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।